and I can see my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. तो आपको जो जैसा कि आपको थंबनेल देख पता चल ही गया होगा कि आज का वीडियो शूट मेरा कहाँ का है, तभी मैं हूँ जबलपुर में। जबलपुर में हम मैं भी हूँ बेड़ाघाट में। तो बेड़ाघाट का मैं आपको लोकेशन बता दूँ, अगर आप जबलपुर स्टेशन पर उतरते हैं तो फिर आप वहाँ से बस पकड़े, जो यहाँ पर सरकारी बस चलती है वहाँ से बस पकड़े, आपको सीधा बेड़ाघाट उतारेगी। बेड़ाघाट से आके आप यहाँ पर सीधा आप धुआंधार फॉल देख सकते हैं। यहाँ से फिर 1 किलोमीटर से जो है वो हमारा बेड़ाघाट का जो मेन है घूमने का जगह, वहाँ पे भी जा सकते हैं। चलिए मैं आपको लेकर चलता हूँ अंदर। अंदर से देखने में ये बहुत ही प्यारा लग रहा है, और इसको आप पास में देखेंगे तो और पास से ये और खूबसूरत लग रहा था। जो कि जो इसका पानी का फवारा था वो उड़ कर अब हमारे पूरे बॉडी पर टच कर रहा था, जो कि देख बहुत ही खूबसूरत वहाँ पर फीलिंग जो थी बहुत ही प्यारी लग रही थी। और जो इसकी हाइट थी वो बहुत ऊँची हाइट थी इसकी, जो कि देखने में बहुत ही प्यारा लग रहा था। और इसके जो पानी जब गिर रहा था ये बहुत ज़्यादा साउंड कर रहा था, इसलिए मैंने वीडियो में सिर्फ बनाया, वहाँ पर बोला नहीं, आकर मैं रूम पर बोल रहा हूँ। अब देख सकते हैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा क्राउड भी थी, जो कि देख सकते हैं। और यहाँ पर नहाने का भी सुविधा था, जो कि देख वो भी आप वहाँ पर चाहें तो आप नहा भी सकते हैं। और यहाँ पर हर साइड से पानी गिर रहा था, अब देख सकते हैं यहाँ नीचे से भी यहाँ पर पानी जा रहा था, नीचे अंदर के बाहर की तरफ देख सकते हैं यहाँ पर हर साइड से यहाँ पानी जा रहा था। और यहाँ पर लोग फोटोशूट वीडियो वगैरह सारा कुछ बना रहे थे। और इस साइड में देख सकते हैं यहाँ पर लोग बहुत सारे लोग यहाँ पर नहा रहे थे, कुछ बच्चे भी थे वो भी नहा रहे थे, लेडीज़ वगैरह सब कुछ यहाँ पर नहा भी रहा था। यहाँ पर नहाने का भी सुविधा है, जो देख सकते हैं। और आपको मैं इसी साइड से यहाँ से मैं आपको पास से देख सकते हैं, पास से इसका जो व्यू था और प्यारा देखने में, इसका पास से व्यू लग रहा था। और इसकी साउंड बहुत तेज़ साउंड था, बहुत तेज़ साउंड था, इसके लिए मैंने सिर्फ वहाँ पर वीडियो रिकॉर्डिंग किया। और यहाँ पर जो सामने पत्थर है वहाँ पर रस्सियाँ बांधी गई, ताकि अगर कोई दुर्घटना होती तो उसको रेस्क्यू करने के लिए वहाँ पर रस्सियाँ बांधी गई, 3-4 रस्सियाँ वहाँ पर लगाई गई थी रेस्क्यू करने के लिए, अगर कोई दुर्घटना होती है उसके लिए। और देख सकते हैं पास से उसका व्यू जो कि देखने में बहुत प्यारा लग रहा था। और यह बहुत दूर तक गया पानी, जो कि हमारा जो बोटिंग एरिया था उस साइड तक ये पानी जा रहा था, वहाँ भी मैंने वीडियो बनाया होगा, आपको नेक्स्ट वीडियो में जाकर देखने को मिलेगा, वहाँ भी वो पानी जाकर गिर रहा था। देख सकते हैं ये सामने से इसका व्यू है, जो कि देखने में बहुत प्यारा लग रहा था और ये बहुत खूबसूरत था। और यहाँ पर मछलियाँ भी गिर रही थी, जो कि यहाँ पर एक भाई ने है वो मछलियाँ भी यहाँ पर मार रहे थे, जो कि देखने में हो और बहुत बहुत छोटी छोटी मछलियाँ वहाँ पर थी। देख सकते हैं यहाँ पर इसका एरिया बहुत ही, दोनों पहाड़ों के बीच में से ये पानी गिर रहा था। और ये देख सकते सीधा हमारा बेड़ाघाट का मेन एरिया वहाँ से वहाँ जाकर ये पूरा मिल रहा था। और ये उस ऊपर का ये साइड का व्यू जो कि देखने में बहुत प्यारा, ये इसके सामने से भी देख सकते हैं ये बहुत प्यारा यहाँ से लग रहा है। अभी मैं आपको दूसरे साइड में दिखाता हूँ कि उस साइड से भी कितना प्यारा देखने में, ये देख सकते पब्लिक बहुत ज़्यादा पब्लिक थी वहाँ पर, जो कि बहुत ज़्यादा भीड़ था। और यहाँ पर घूमने के लिए भी और मेला वगैरह सब कुछ यहाँ पर लगा हुआ है, देख सकते हैं यहाँ पर लोग नहाते हैं, यहाँ इस साइड में लोग नहा रहे थे और बहुत सारे लोग वहाँ पर उधर पानी में जाकर